नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और आज मौका है वर्ल्ड हार्ट डे का। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, टॉक शो हो रही है, सुबह सुबह एक मैराथन हुई है, फ्री चेकअप चल रहा है और उसके साथ साथ डॉक्टर्स एडवाइस भी कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर अमित चौरसिया से। सर, गोल्डन हार्ट्स की बात हो रही है, दिल की रेड की बजाय गोल्डन हार्ट्स की। गोल्डन हार्ट की बात होगी विशाल जी, क्योंकि गोल्ड सबसे प्योर चीज़ होता है। अगर हार्ट आपके प्योर हैं, हार्ट में कोई भी तकलीफ नहीं है, तो हमेशा आप सुखी जीवन बिताएंगे। इसीलिए हम लोग गोल्डन हार्ट की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि रेड हार्ट तो उसमें दिल में खून बह रहा है, इसलिए रेड हार्ट बोला जाता है। गोल्डन हार्ट एक प्योर हार्ट है, इसमें ना स्ट्रेस होना चाहिए, ना कोई किस्म का दिक्कत होनी चाहिए, एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए जिसके चलते कि पूरी की शरीर की एकदम स्वच्छता रहे और हम सब हेल्दी जीवन बिता पाए। सर, हार्ट को गोल्डन रखने के लिए आपने कई सारी चीज़ें बताई, जैसे उसमें आपने एक स्पिरिचुअलिटी का भी जिक्र किया, लेकिन मैं अदरवाइज जैसे आदमी और किस किस तरह से अपने हार्ट को गोल्डन रख सकता है? रोज़ सुबह चलनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, खान पीन को एकदम कंट्रोल करनी चाहिए, ज़्यादा घी तेल नहीं लेनी चाहिए। घी तेल लेनी चाहिए, ये नहीं बोलता हूँ कि कम्प्लीटली हटा दो, मगर उसका मात्रा एकदम नियमित मात्रा में लेनी चाहिए। नो स्मोकिंग, डायबिटीज़, शुगर जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये सब बीमारी को कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी जाके आपके हार्ट में एक शुद्ध हार्ट बन सकता है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, स्ट्रेस मत लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए। अभी टाइम ही स्पिरिचुअलिटी का चल रहा है, इवन मोदी जी का भी आप देखेंगे तो यही एक कहना है कि स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ स्पिरिचुअलिटी रहता है वहाँ हार्ट हमेशा गोल्डन ही रहता है। बहुत बड़ी बात बोलिए सर आपने। आपसे एक चीज़ और चाहूँगा कि आज बहुत बड़ा ओकेज़न है किसी भी हार्ट के सर्जन के लिए, किसी भी हार्ट के डॉक्टर के लिए, और वर्ल्ड हार्ट डे है, कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये बीमारी सब कोई को हो सकता है, बीमारी से डरिए मत, आप अपना हॉस्पिटल जाके इलाज करवाइए। अभी हर किस्म का बीमारी का इलाज है, मगर आप ढिलाई करेंगे तो फिर आप तकलीफ में आ जाएंगे। यही संदेश देना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन। आप प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए, मगर सब कुछ कई बार हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। अगर प्रिवेंट हम कर नहीं पा रहे हैं तो जो चीज़ हो चुका है उसको हमें कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाए, अपना ट्रीटमेंट ले और अपनी स्वास्थ्य जीवन का आनंद उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो व्यूअर्स, जो डॉक्टर साहब ने सबसे बड़ी एक बात बोली वो ये बोला कि जो अगर आपको जब भी तकलीफ़ होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने इलाज कराएं, ताकि अगर इनिशियल स्टेज पे वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो उनका इलाज और आसान हो जाता है। सर, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका। व्यूअर्स, अब मेरे साथ डॉक्टर राहुल हैं। सर, आज वर्ल्ड हार्ट डे का मौका है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आदमी अपने मतलब करे और अपने दिल का ध्यान रख सकता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हार्ट डिजीज़ सबसे आम कारण है मृत्यु का दुनिया में और हमारे देश में, बट सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इजीली बचा जा सकता है। बचना बहुत आसान है, जैसा कि हम हार्ट डिजीज़ को लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, तो लाइफस्टाइल यानी हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी कार्यकलाप करते हैं उनको अगर हम रेगुलेट करें तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। अच्छा खाना पीना, जिसमें खूब सारी हरी सब्जियां, सलाद, फल शामिल हैं, नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, गेम्स खेलना, धूम्रपान और अल्कोहल से पूरी तरह अपने आप को बचाना, और समय पे अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जांच कराना। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तनाव से मुक्त रहना, और उसके लिए समय पे सोना और ध्यान करना बहुत आवश्यक माने गए हैं, और इन सब को करने से बिना किसी दवाई के हृदय रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स।
तो वियर्स आपने सुना डॉक्टर राहुल को, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि किस तरह से आप इस बीमारी से अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और बच सकते हैं। अब मेरे साथ डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव हैं जो कि चीफ कार्डियोलॉजी सर्जन है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इस मौके पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए हेल्दी हार्ट अपना रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, हेल्दी हार्ट रखने के जो तरीके हैं वो बहुत सरल हैं। हम सब उन्हें उनके बारे में जानते हैं, पर किसी वजह से हम उन्हें याद नहीं रख पाते और हम उन्हें अपने लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हेल्दी हार्ट के जो नुस्खे हैं वो ये हैं कि आप अपना खान पान ठीक रखें, वसा का सेवन कम से कम करें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, और टहलना एक बहुत ही सरल और उपयोगी व्यायाम है। आप जैसे आपकी उम्र बढ़ती है अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, और थोड़ी उम्र और बढ़ती है तो रेगुलर इंटरवल्स पे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास या अपने फिजिशियन के पास जाके अपने चेकअप्स कराएं। अब एक बड़ी छोटी सी बात कहनी है कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी एक मामूली बीमारी जो कि लाखों लोगों को है और जिसका इलाज हर पेशेंट कर रहा है, अगर उसे ठीक से ना ट्रीट किया जाए तो कुछ सालों में ये हार्ट फेलियर में बदल सकता है, और हार्ट फेलियर जब एडवांस्ड हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय हार्ट ट्रांसप्लांट के। तो मेरा कहना यही है कि अपने आप को फिट रखें, खान पान पे नज़र रखें, अपना चेकअप कराएं, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है तो उसका उपयुक्त इलाज कराएं, उन्हें कंट्रोल में रखें। सर आजकल जो यंग जनरेशन है या कोई भी लोग आजकल मतलब अपने करियर्स को लेकर, जॉब प्रेशर्स को लेकर उनके ऊपर इतना मन में बोझा रहता है और इतना सब कुछ चीज़ें रहती हैं, क्या वो अपने लाइफस्टाइल में कुछ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो अपने इस तरह के स्केड्यूल में भी कर सकते हैं? जी देखिए, बदलाव की रफ्तार इतनी तेज रही है कि हम बदल तो गए हैं पर हम उसके साथ समझौता नहीं कर पाए हैं। तो इसमें जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो बदलाव है उसमें और जो इंडिविजुअल का एक्सेप्टेंस है उसमें, तो स्ट्रेस जनरेट होता है। जब स्ट्रेस जनरेट होता है तो उससे गलत हार्मोन्स हमारे अंदर सिक्रीट होते हैं, हमारा शुगर बढ़ता है, हमारे अंदर जो कैटेकोलामीन्स हैं वो सिक्रीट होती है, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है और उससे बीमारियां होती हैं। तो मेरा कहना ये है कि जैसे बदलाव आता है तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, अपने जीवन को इस तरह से अडेप्ट करें कि बदलाव की वजह से आपको स्ट्रेस ना हो, काम के लिए भी वक्त रखें, आराम के लिए भी वक्त रखें, और जो रिलैक्सेशन है उसके लिए भी वक्त रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मेरे साथ डॉक्टर समीर हैं। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो दिल की जब बात आती है तो दिल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है? शायरों के लिए तो है ही बहुत इम्पॉर्टेंट। दिल शायरों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, बुढ़ों के लिए भी है, बट एट द कोर ऑफ इट इफ़ यू लुक एट, दिल ही वो ऑर्गेन है जो हमारे पैदा होने से पहले से धड़कना शुरू करता है और हमारी आखिरी सांस तक धड़कता रहता है। दिल बंद सो तब बंद। अगर दिल चल रहा है, आपकी किडनी ख़राब है, आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हो, आपका लिवर ख़राब है, आप लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, लेकिन अगर दिल चलना बंद हो गया तो फिर आप कुछ नहीं करा सकते, अनलेस एंड अंटिल आपके पास हार्ट ट्रांसप्लांट हो। हार्ट ट्रांसप्लांट इतना कॉमन नहीं हुआ बिकॉज ऑर्गन डोनर इज़ एन इशू। कितना ज़रूरी है दिल का ध्यान रखना, क्योंकि आपने बताया जन्म के पहले से और आखिरी सांस तक होता है, तो भ्रूण में सबसे पहले 21वें या 22वें दिन पे दिल बनना शुरू हो जाता है और तब से वो धड़क रहा है तब तक जब तक कि आपकी आखिरी सांस। सर इसका ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है स्वस्थ रहने के लिए? स्वस्थ रहने के लिए शरीर के जितने हिस्से हैं उन सबका ही ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो दिल हो, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे किडनी हो। बट अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरी कौन सी आँख ज़्यादा प्यारी है तो ये बताना मुझे ज़्यादा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से पूरे शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो नेचुरल वे में प्रोसेस करके बनाया है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और क्या हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके एटलीस्ट अपने दिल के
हेल्दी रख सकते हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसका सबसे कॉमन फैक्टर है स्ट्रेस, दूसरा फैक्टर है पॉल्यूशन। अभी एक बड़े जर्नल में एक स्टडी आई है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज, स्पेशली दिल्ली NCR, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ईयर्स कम हो रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, हमारा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन और दूसरा है स्ट्रेस, उसके साथ साथ हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। वी आर ट्राइंग टू कॉपी द वेस्ट, ईट ड्रिंक बी मेरी 5 days वीकेंड, उसके बाद फिर आप सब कुछ करिए प्रैक्टिकली, बट वी फॉरगेट दैट इन वेस्ट पीपल वॉक अ लॉट, इन वेस्ट पीपल आर एक्सरसाइजिंग अ लॉट, दे फोकस ऑन देयर सेल्फ हेल्थ। वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्थ, हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम वो चीज़ कॉपी कर लेते हैं जो हमें सुकून देती है, सुविधा देती है, तसल्ली देती है। वो लोग वॉक बहुत करते हैं, मतलब अपने नॉर्मल रूटीन में वो बहुत चलते हैं। वो आप उनको देखिए, वो अगर आप US जाएँ, बाहर यूरोप जाएँ, कहीं भी जाएँ, वो वॉक इतना करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिम जाते हैं। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड शुरू हो रहा है, बट इफ़ यू लुक एट इट, अभी भी बहुत कम है। आज मेरे पास OPD में पेशेंट आते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, गोली लिख दो। वो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है। अगर हम उनसे कहते हैं आप 3 महीने अपनी डाइट चेंज करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, और उसके बाद आप आके मेरे पास अपना लिमिट प्रोफाइल दिखाइए, तब मैं दवा शुरू करूँगा, दे डोंट लाइक इट। ईजी वे आउट, एक टैबलेट पॉप करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो वियर्स, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को रखा है सामने। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी और आप समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, थोड़ा सा चलना, वो आपको लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैसेज मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके आसपास अगर कभी कोई कोलैप्स कर जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे रिवाइव करना है। हम लोग एक सडन कार्डियक अरेस्ट कैंपेन रन करते हैं जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि CPR कैसे किया जाए। एक CPR करने से कई बार एक लाइफ बच सकती है। देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सडन कार्डियक अरेस्ट एंड सडन कार्डियक डेथ। अगर आपने सडन कार्डियक अरेस्ट की स्टेज पे इंटरवीन करके पेशेंट को मसाज दे दी, पेशेंट को रिवाइव कर दिया, दैट मींस यू कैन सेव अ लाइफ। और उसके लिए कोई स्पेशल मेडिकल स्किल्स नहीं चाहिए, मैं, आप कोई भी व्यक्ति CPR करके किसी को भी रिवाइव कर सकता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, सड़क पे पड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू यू, प्लीज़ लर्न CPR। थैंक यू सर। मेरे साथ हैं सुरजीत चौधरी जी, जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ जो बैंक के होते हैं उनकी एसोसिएशन है, उसके चेयरपर्सन हैं गुड़गांव में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सर, ये जो आर्टेमिस हॉस्पिटल का आज ये वर्ल्ड हार्ट डे के लिए कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? इसमें हमें मार्केटिंग टीम्स हैं, इन्होंने हमें अप्रोच किया है, जैसे डिफरेंट हॉस्पिटल के हमें अप्रोच करते रहते हैं कि उनको पता है कि हमारी एक एसोसिएशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जिसके अंदर हम 700-800 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हॉस्पिटल ने अप्रोच किया कि हम सीनियर सिटीजन के लिए इस डे पे हम कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे बात की कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक आपको हेल्थ कार्ड इशू करेंगे जिसमें 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा, हेल्थ चेकअप भी करेंगे, इको कार्डियो करवाएंगे, ECG करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और उसके अंदर इंटरटेनमेंट का भी हमने रखा है प्रोग्राम, प्लस हेल्थ से डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो 1 घंटे का अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे, और फिर जो हार्ट डीगर है वो सेलिब्रेशन भी करेंगे जॉइंटली। तो हमारा मेन पक्ष इसी का है एसोसिएशन बनाने का, कि ताकि हम बैंक PSU बैंक के जितने रिटायरीज हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर सकें। सर जनरली जो ये ऐसी एसोसिएशन होती हैं वो एक बैंक की होती हैं, लेकिन आपने ये क्या है सभी PSU बैंक्स की एक बनाई हुई है, तो आप और क्या क्या करते हैं अपने मेंबर्स के लिए? देखो सभी बैंक्स की अलग अलग एसोसिएशन भी हैं, ये हमने एक कम्बाइन बनाई है। गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे बैंकर्स रहते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि एक ऐसा प्लेटफार्म क्रिएट किया जाए जब भी रिटायर्ड बैंकर्स को एक प्लेटफार्म मिले जहाँ पे बैंकर्स का इंट्रैक्शन हो सके। रिटायरमेंट के बाद क्या इंट्रैक्शन कम होता है, लोग घर में रहते हैं, कोई न कोई कुछ न कुछ तकलीफ हो जाती है, तो ये एक प्लेटफार्म दिया है जिसके अंदर हम यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं हमारे पास में। डिफरेंट हॉस्पिटल से हम अप्रोच करते हैं किसी को है, या घर में कोई जैसे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे
बाहर चले गए हैं उनको कोई दिक्कत होती है तो हम उनको अप्रोच करते हैं और उनको जो भी हमारी से सुविधा दे सकते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल में कोई हेल्प करना है, बाकी मिलने का एक प्लेटफार्म है, एंटरटेनमेंट भी एक इसके साथ में होता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत साधुवाद आपको, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। व्यूअर्स, फिटनेस की बातों और डॉक्टर सुनीता गोदारा का जिक्र ना है ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप एक जानी मानी शख्सियत हैं और मैराथन करती हैं, फिटनेस कोच हैं, दिल का इन सब चीज़ों से कितना वास्ता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि रनर्स का हार्ट गोल्डन हार्ट होता है और सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि 92 में मैं एशियन गोल्ड जीती और उसके बाद 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं रनर्स को फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही हूँ। और जहाँ तक हार्ट की बात है, अभी मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है और मैंने ये मौका नहीं गंवाया और मैं जाके अपना ECG करा के आई और 64 की एज में जब डॉक्टर्स आपको कहें कि आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है तो फिर तो कहना ज़रूरी हो जाता है कि रनर्स का हार्ट गोल्डन हार्ट होता है। बाकी रनिंग का जो फ़ायदा है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ, 1,30,000 किलोमीटर्स अपने लाइफ स्पैन में कर चुकी हूँ, 200 इंटरनेशनल रेसेस कर चुकी हूँ, उसी की वजह से मुझे ओलंपिक टॉर्च बियरर बनने का एक सुअवसर मिला था। तो रनिंग सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है पतले रहने का, हेल्दी हार्ट रहने का और हर बीमारी से दूर रहने का। आप अगर मोटे हैं तो वॉक से शुरू कीजिए, यू कैन वॉक द डिस्टेंस, यू कैन जॉग द डिस्टेंस, टुक टुक रनिंग कहते हैं उसको, अपनी बॉडी को डॉस करना कि आप मूव कर रहे हैं, रनिंग हो रही है। क्योंकि हर आदमी की, हर शख्स की जो फिटनेस लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, तो आप जिस पेस में दौड़ते हैं वही आपके लिए रनिंग है, चाहे वो 4 की पेस हो, चाहे वो 8 की पेस हो, चाहे वो 10 की पेस हो, बट कीप मूविंग योर बॉडी एंड कीप योर हार्ट हेल्दी एंड गोल्डन हार्ट। मैम आप एक्चुअली एग्जाम्पल हैं, जो भी व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मैडम एग्जाम्पल हैं। उन्होंने दो चीज़ें बोली, एक तो उन्होंने अपनी एज बताई 64, मतलब अमेजिंग। अगर आप इनको देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैडम कहीं आसपास भी ऐसा नहीं लगती। और दूसरा, 1,33,000 किलोमीटर, मतलब मैडम बहुत बड़ा, 1,33,000 किलोमीटर सुन के भी हैरान। कि जो 25 साल का मेरा इंटरनेशनल करियर था एज अ मैराथन रनर, और मैराथन 42 किलोमीटर्स और 21 किलोमीटर्स की हाफ मैराथन होती है, फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती है। तो मैंने रनिंग शुरू की एज अ चैम्पियन। मेरी पहली मैराथन रथ इंडियन ओपन मैराथन थी जिसमें मैं चैम्पियन बनी, फिर मैं लंदन मैराथन गई, बॉस्टन मैराथन गई, एंड आई रिटायर्ड एज चैम्पियन विद टाटा मुंबई मैराथन। तो ये जो सफ़र था 25 ईयर्स का, इसमें मैंने 1,30,000 किए। डेली का 25 से 20 किलोमीटर दौड़ना ये मैराथन रनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर फिर भी मैम 25 साल में भी, लेकिन आप इतना, उसके बाद अभी 10 साल से दौड़ नहीं रही हूँ लेकिन दौड़ा बहुत रही हूँ। आज ही आपके गुड़गांव में ग्लोबल रेस हुई और उस गुड़गांव की ग्लोबल रेस में ओपन 10K में जो लड़की फर्स्ट आई है वो 10 साल से मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रही है। अभी वो 19 ईयर्स की है, यानी कि जब वो 9 ईयर्स की थी तब उसने मुझे ज्वाइन किया था और उसको ऑर्गेनाइजर ने अभी डिक्लेयर किया कि उसको इंटरनेशनल ग्लोबल रेस में भेजेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज अ कोच। बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए हमसे बात करने। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपने सुनी डॉक्टर साहब की बात और डॉक्टर का कहना है कि आप अपने हेक्टिक शेड्यूल में भी थोड़ा सा अगर अपनी फिटनेस का ध्यान रखें तो आप अपना एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी फिटनेस के लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालना शुरू करेंगे, अब हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।